नमस्कार, मैं हूं शशि। आइए झारखंड के टॉप 25 प्रमुख खबर जानते हैं। झारखंड में भीषण गर्मी को लेकर 18 जून तक स्कूल बंद। झारखंड में क्लास 1 से 8 तक की कक्षाएं 17 जून तक बंद रहेंगी, वहीं क्लास 9वीं से 12वीं तक के स्कूल 15 जून से खुल जाएंगे। बता दें, भीषण गर्मी और लू को देखते हुए झारखंड के स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने यह आदेश जारी किया है। शिक्षा सचिव के रवि कुमार ने यह निर्देश जारी किया है। इससे पहले 12 जून से खुलने जा रहे स्कूलों को 14 जून तक बंद किया गया था। अब शिक्षा सचिव के रवि कुमार द्वारा जारी पत्र में कहा गया है कि 11 जून को जारी पत्र में संशोधित करते हुए अब प्रदेश में पड़ रही अत्यधिक गर्मी और लू को देखते हुए सभी प्रकार के सरकारी, गैर सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में क्लास 1 से 8वीं तक की कक्षाएँ 17 जून तक बंद रहेंगी, वहीं 18 जून से स्कूल खुलेंगे। वहीं क्लास 9वीं से 12वीं तक की कक्षाएं 15 जून से ही संचालित की जाएगी। शिक्षा सचिव ने यह भी कहा है कि अवकाश के दौरान हुई पढ़ाई के नुकसान की भरपाई के लिए अलग से आदेश जारी किया जाएगा। गौरतलब है कि पहले भीषण गर्मी और लू की वजह से ग्रीष्मावकाश की घोषणा की गई थी और 12 जून से स्कूल खुलने वाला था। हाई स्कूल खोलने के आदेश से पासवान ने जताया ऐतराज। झारखंड में भीषण गर्मी और लू को देखते हुए शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के सचिव के रवि कुमार ने स्कूल में फिर से छुट्टियां बढ़ाने का आदेश जारी किया है। वहीं कक्षा 9वीं से 12वीं तक की क्लास 15 जून से ही संचालित होगी। बता दें, भीषण गर्मी को देखते हुए शिक्षा विभाग के द्वारा जारी चिट्ठी पर नाराजगी जताते हुए पासवान ने इसे हास्यास्पद बताया है। पासवान प्रदेश अध्यक्ष आलोक दुबे ने शिक्षा सचिव के द्वारा जारी आदेश की आलोचना करते हुए कहा है कि क्या 9वीं से 12वीं तक के बच्चों को गर्मी नहीं लगेगी और ये लू के चपेट में नहीं आएंगे। एसी में बैठकर अधिकारी को गर्मी का एहसास नहीं होता है। ऐसी स्थिति में यदि इन बच्चों को कुछ होता है तो इसके लिए क्या शिक्षा सचिव जिम्मेदार लेंगे? बता दें, उन्होंने मुख्यमंत्री से हीट वेव कम होने तक स्कूलों को नहीं खोलने का आग्रह किया है। आलोक दुबे ने कहा है कि मौसम विभाग ने भी चेतावनी जारी रखा है, इसके बावजूद शिक्षा विभाग के द्वारा क्लास 9वीं से 12वीं तक के स्कूल को खोलने से कहीं से भी उचित नहीं है। जमशेदपुर में हाइड्रोजन से चलने वाली गाड़ियां बनाएंगी टाटा मोटर्स और टाटा कमिंस। देश की अग्रणी वाहन निर्माता कंपनियां टाटा मोटर्स और टाटा कमिंस इलेक्ट्रिकल वाहनों के साथ साथ हाइड्रोजन इंजन से बनने वाली गाड़ियां बनाने की तैयारी में है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के साथ झारखंड मंत्रालय में बुधवार को हुई बैठक में टाटा मोटर्स, टाटा स्टील एवं टाटा कमिंस के वरीय अधिकारियों ने यह जानकारी दी है। बता दें, बैठक में जमशेदपुर में न्यू ग्रीन टेक्नोलॉजी मैन्युफैक्चरिंग प्रोजेक्ट के विस्तार और निवेश की संभावनाओं पर चर्चा हुई। टाटा मोटर्स के अधिकारियों ने मुख्यमंत्री के समक्ष पावर प्वाइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से ग्रीन टेक्नोलॉजी मैन्युफैक्चरिंग प्रोजेक्ट के संबंध में विस्तार जानकारी दी। वहीं टाटा मोटर्स के अधिकारियों ने मुख्यमंत्री से कहा है कि जमशेदपुर में न्यू ग्रीन टेक्नोलॉजी मैन्युफैक्चरिंग प्रोजेक्ट के विस्तार पर निवेश की असीम संभावनाएं हैं। राज्यपाल की सक्रियता से राजनीतिक हलकों में सुगबुगाहट, 15 जिलों का कर चुके हैं दौरा। राजनीतिक हलकों में राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन की लगातार सक्रियता को लेकर सुगबुगाहट शुरू हो गई है। नए राज्यपाल ने शपथ ग्रहण के समय ही कह दिया था कि राजभवन गाँवों तक पहुँचेगा। इसे अमल में लाते हुए वे लगातार जिलों का भ्रमण कर रहे हैं। स्थिति यह है कि अब तक के अपने अल्प कार्यकाल में ही उन्होंने 15 जिलों का भ्रमण कर लिया है। मंगलवार को तो उन्होंने एक दिन में ही 2 जिले चतरा और कोडरमा का भ्रमण किया। बता दें, जिलों के भ्रमण के क्रम में राज्यपाल सुदूर इलाकों का दौरा कर रहे हैं। इस दौरान वे अधिकारियों को सीधे निर्देश दे रहे हैं। मुलाकात के दौरान किसी तरह की शिकायत मिलने पर मौके पर ही उसके निराकरण को लेकर जिला प्रशासन के अधिकारियों को निर्देश दे रहे हैं। झारखंड पुलिस ने 90 दिनों में 17,229 लंबित मामलों को निपटाया। झारखंड में पिछले कई महीनों से लंबित पड़े आपराधिक कांडों को निपटाने के लिए अभियान चलाया जा रहा है। पिछले 90 दिनों के दौरान झारखंड पुलिस ने कुल 17,229 आपराधिक कांडों का निपटारा किया है, जिनमें सबसे अधिक रांची पुलिस ने लंबे समय से लंबित 2587 आपराधिक कांडों को निपटाया। इसके बाद धनबाद पुलिस द्वारा 1550, देवघर पुलिस द्वारा 1483 और बोकारो पुलिस के द्वारा 1305 और जमशेदपुर पुलिस के द्वारा 1267 लंबित मामलों का निष्पादन किया गया, जबकि बाकी अन्य जिलों की पुलिस द्वारा 9038 लंबित मामलों का निष्पादन किया गया है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा 22 जून को आएंगे झारखंड। बीजेपी के महाजनसंपर्क अभियान में केंद्रीय नेताओं का झारखंड में जमावड़ा होने लगा है। इसी कड़ी में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा 22 जून को झारखंड आएंगे।
बता दें गिरिडीह के झंडा मैदान में जनसभा को संबोधित करेंगे। इस संबंध में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने कहा है कि यह राज्य की जनता का सौभाग्य है कि विश्व की सबसे बड़ी पार्टी भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने अपना महत्वपूर्ण समय झारखंड को दिया। जेपी नड्डा के झारखंड आगमन को लेकर प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने कहा है कि श्री नड्डा का झारखंड की धरती से पुराना रिश्ता है। 22 जून को गिरिडीह के झंडा मैदान में आयोजित जनसभा में उन्हें सुनने लाखों लोग पहुंचेंगे। झारखंड में रोक के बावजूद बालू का खेल जारी। झारखंड में एनजीटी द्वारा रोक लगाने के बावजूद हजारीबाग जिले के बांकागा प्रखंड में इन दिनों बालू का अवैध उत्खनन और कारोबार खुलेआम जारी है। इससे सरकार को हर दिन लाखों रुपए के राजस्व की हानि हो रही है। बता दें बड़का गांव के छावनिया नदी पुल, निर्माणाधीन कांडती पुल, सिबाडीह पुल, बदमाही नदी पुल, गोंदपुरा नदी पुल, चोरका नदी पुल के समीप से बालू का अवैध तरीके से उत्खनन किया जा रहा है, जिससे नदियों का अस्तित्व खतरे में है। वहीं अगर इस पर रोक नहीं लगाई गई तो बनाई गई पुल का निर्माणाधीन पुल आने वाले बरसात में ध्वस्त हो सकता है। ओडिया समुदाय का लोक पर्व रजो संक्रांति कोल्हान में शुरू। कोल्हान क्षेत्र के खरसावां, सरायकेला, कुचाई समेत आसपास के गांवों में ओडिया समुदाय का लोक पर्व रजो संक्रांति शुरू हो गई है। बुधवार 14 जून 2023 को सादगी के साथ पहला दिन रजो पर्व मनाया गया। बता दें 3 दिवसीय रजो पर्व के पहले दिन बुधवार को महिलाओं और बच्चों ने झूला झूलने की रस्म को निभाए। घर के आंगन, गांव के चौक चौराहे और पार्कों में रस्सी से झूला बनाकर रजो संक्रांति पर महिला व बच्चे झूला झूलते दिखे। इस दौरान डोली हुए रट रट, मो भाई मुडरे सुना, मुकुटो सुना, मुकुट लो सिंधु थाए झट झट गीत घी गाए। दुमका पहुंची वसुंधरा राजे, बोली उसे चुने जो भविष्य बुने। दुमका पहुंची राजस्थान की पूर्व सीएम वसुंधरा राजे सिंधिया ने कैराबनी में लोकसभा स्तरीय जनसभा में शामिल हुई। उन्होंने पार्टी नेता और कार्यकर्ताओं से पीएम मोदी के 9 साल के कार्यकाल को जन जन तक पहुंचाने की अपील की। उन्होंने कहा है कि मोदी है तो मुश्किल नहीं और कांग्रेस है तो मुमकिन नहीं। आज भारत दुनिया के प्रगतिशील एवं उन्नत राष्ट्रों में शुमार है। उन्होंने 2024 में मोदी सरकार को फिर लाने की अपील लोगों से की है। जनसभा के दौरान वसुंधरा राजे सिंधिया ने हेमंत सरकार पर भी निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि जनता ने शिबू सोरेन और उनके परिवार को पिछले 40 साल से अवसर दिया लेकिन विकास नहीं हुआ। उन्होंने कहा है कि हेमंत सरकार में महिलाएं हिंसा की शिकार हो रही है, खासतौर पर आदिवासी महिलाओं को निशाना बनाया जा रहा है। झारखंड पहुंचे एनआईए के डीजी दिनकर गुप्ता। राष्ट्रीय जांच एजेंसी के डीजी दिनकर गुप्ता बुधवार को रांची पहुंचे। रांची आने के बाद वे झारखंड के डीजीपी अजय कुमार सिंह से पुलिस मुख्यालय में शिष्टाचार मुलाकात की। मौके पर दोनों ही अधिकारियों ने झारखंड में नक्सलवाद को जड़ से उखाड़ने की रणनीति बनाई है। बता दें एनआईए राज्य में टेरर फंडिंग सहित कई महत्वपूर्ण मामलों की जाँच कर रही है। झारखंड में लिथियम की खोज में जुटी पैन एशिया मेटल्स। पैन एशिया मेटल्स आजकल झारखंड में लिथियम की खोज में जुटी है। पैन एशिया मेटल्स लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक पॉल लॉक ने बुधवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से झारखंड मंत्रालय में मुलाकात की। मुलाकात के दौरान उन्होंने बताया है कि राज्य में लिथियम खनिज प्राप्त होने की अपार संभावनाएं हैं। लिथियम का उपयोग विभिन्न प्रकार की बैटरी बनाने के लिए होता है। कोडरमा, हजारीबाग सहित अन्य क्षेत्रों में लिथियम की उपलब्धता है। खनिज की जानकारी लेने के लिए पैन एशिया मेटल्स लिमिटेड की टीम आजकल झारखंड भ्रमण पर है। पाल लॉक ने मुख्यमंत्री से कहा है कि पैन एशिया मेटल्स झारखंड में लिथियम खनन के क्षेत्र में निवेश करना चाहती है। जेएमएम के गढ़ में वसुंधरा ने हेमंत को परिवारवाद पर घेरा। लोकसभा चुनावों के लिए चुनाव प्रचार की शुरुआत करने देवघर के बाद दुमका पहुंची वसुंधरा राजे सिंधिया ने परिवारवाद को लेकर हेमंत सोरेन और झामो पर जमकर हमला बोला। दुमका में जनसभा को संबोधित करते हुए वसुंधरा राजे सिंधिया ने संथाल की जनता से परिवारवाद की राजनीति को खत्म कर विकास की राजनीति को अवसर देने का आह्वान किया। वसुंधरा दुमका के जामा विधानसभा क्षेत्र में एक जनसभा को संबोधित कर रही थी। आदिवासी बहुल्य यह सीट झामुमो की पारंपरिक सीट मानी जाती है। झामुमो सुप्रीमो शिबू सोरेन ने 80 के दशक में इसी सीट से पहली बार विधायक चुने गए थे।
बुजुर्ग से 7 लाख की साइबर ठगी करने वाले 3 आरोपी गिरफ्तार। झारखंड के रांची से एक साइबर फ्रॉड का मामला सामने आया है। यहां बैंक कस्टमर केयर प्रतिनिधि बनकर मोबाइल पर एनीडेक्स ऐप डाउनलोड कराया और खाते से पैसे उड़ा लिए। सीआईडी के साइबर अपराध थाने की पुलिस ने दुमका जिले के 3 आरोपियों को इस सिलसिले में गिरफ्तार कर लिया है। बता दें, इन लोगों पर रांची के पंडरा थाना क्षेत्र के लक्ष्मी नगर कुसुम भवन निवासी 74 वर्षीय रामधनी साहू के खाते से 6,99,997 रुपये का अवैध हस्तांतरण का आरोप है। मॉडल पर मतांतरण का दबाव बनाने वाला तनवीर बिहार से गिरफ्तार। रांची की गोंदा पुलिस ने बुधवार को मुंबई में रहने वाली मॉडल के साथ लव जिहाद के मामले में आरोपी तनवीर अख्तर को बिहार के अररिया से गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी को अररिया से रांची लाया जा रहा है। गोंदा थाना में पहुंचने के बाद आरोपी से पूछताछ के बाद उसे जेल भेजा जाएगा। बता दें, गोंदा थानेदार रवि ठाकुर ने इसकी पुष्टि की है। थानेदार का कहना है कि पुलिस आरोपी की तलाश में लगातार छापेमारी कर रही थी। पुलिस को सूचना मिली कि वह अपने रिश्तेदार के घर में रह रहा है। इसके बाद गोंदा थाना से एक टीम भेजी गई और आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। वसुंधरा राजे पर जेएमएम का पलटवार, कहा महारानी के मुंह से भ्रष्टाचार की बातें शोभा नहीं देती। राजस्थान की पूर्व सीएम वसुंधरा राजे सिंधिया पर पलटवार करते हुए झामुमो के केंद्रीय समिति के सदस्य सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा है कि आईपीएल के जरिए आर्थिक मुनाफा कमाकर विदेश भागने वाले ललित मोदी को संरक्षण देने वाली महारानी देवघर में जनता को भ्रष्टाचार का पाठ पढ़ा रही थी। वसुंधरा राजे पर तीखा प्रहार करते हुए सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा है कि राजस्थान में भाजपा उन्हें मुख्यमंत्री पद का दावेदार तक नहीं बनाना चाह रही। उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा या नहीं, इसको लेकर भी भाजपा संशय में है। वह यहां आकर भाजपा के लिए समर्थन जुटा रही है। 25 जून तक सुधारे बिजली, नहीं तो जनता मेन स्विच ऑफ कर देगी। राज्य में पड़ रही भीषण गर्मी के बीच हजारीबाग समेत राज्य के अधिकतर हिस्सों में लोड शेडिंग और बिजली कटौती का सामना करना पड़ रहा है। गर्मी से लोगों का पहले से जीना मुहाल था, इन सब से बीच हो रही बिजली कटौती झारखंड वासियों को रुला रही है। बता दें, अन्य जिलों की तरह झारखंड के हजारीबाग में ध्वस्त बिजली आपूर्ति से जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित है। इसे लेकर बुधवार को हजारीबाग सदर विधायक मनीष जायसवाल ने बिजली विभाग के जीएम कार्यालय परिसर में धरना प्रदर्शन किया। धरना प्रदर्शन के दौरान हजारीबाग विधायक ने बिजली विभाग को अल्टीमेटम दिया है कि 25 जून तक बिजली कटौती सुधारने को कहा है। डीसी के खिलाफ गोड्डा सांसद का 0 FIR अब तक नहीं पहुंचा देवघर। गोड्डा के भाजपा सांसद निशिकांत दुबे और देवघर के डीसी मंजूनाथ भजंत्री के बीच हवाई उड़ान और तथाकथित धमकी मामले में दिल्ली में दर्ज 0 FIR को निरस्त करने से जुड़ी याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। डीसी की याचिका पर जस्टिस एसके द्विवेदी की कोर्ट में सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से बताया गया कि दिल्ली में दर्ज 0 FIR को देवघर ट्रांसफर किया जाना था, जो अब तक नहीं हुआ है। इस पर कोर्ट ने केंद्र सरकार को वेरीफाई कर अवगत कराने का निर्देश दिया। अब मामले की अगली सुनवाई 2 सप्ताह बाद होगी। दरअसल भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने दिल्ली में FIR दर्ज कराकर आरोप लगाया था कि 31 अगस्त 2022 को उन्हें एयरपोर्ट से उड़ान भरने से रोका गया था। रांची के बेड़ों में वज्रपात से दादा पोती की मौत। राजधानी रांची के लापुंग थाना बुधवार को दिल दहला देने वाली घटना हुई है। बुधवार को हल्की बारिश के दौरान वज्रपात से दादा और पोती की मौत हो गई। घटना शाम से लगभग 4 बजे के आसपास की हुई है। मृतक की पहचान दाढ़ी सेमर टोली गांव निवासी रंथु साहू 60 वर्षीय के रूप में हुई। हालांकि मृतक 2 वर्षीय बच्ची का नाम पता नहीं चल सका। बता दें, घटना के संबंध में मिली जानकारी के अनुसार बुधवार की शाम 4 बजे के आसपास बारिश शुरू हुई थी। इसी दौरान रंथु साहू अपने घर के पास ही बकरी चरा रहा था। रंथु के साथ उसकी पोती भी थी। इसी दौरान वज्रपात हुआ, जिसकी चपेट में दोनों आ गए और मौके पर ही गिरकर बेहोश हो गए। झारखंड पुलिस एसोसिएशन का चुनाव स्थगित। झारखंड पुलिस एसोसिएशन का चुनाव स्थगित कर दिया गया है। इसको लेकर झारखंड पुलिस मुख्यालय द्वारा बुधवार को आदेश जारी कर दिया गया है। जारी आदेश में कहा गया है कि झारखंड पुलिस एसोसिएशन के सप्तम अधिवेशन सह केंद्रीय पदाधिकारियों का चुनाव 15 और 16 जून को निर्धारित की गई थी। उल्लेखनीय है कि डेलीगेट्स के चुनाव में अनियमितता के संबंध में विभिन्न स्रोतों से प्राप्त आवेदन के बाद रांची SSP, बोकारो SP, गढ़वा SP और विशेष शाखा से डेलीगेट्स चुनाव में अनियमितता से संबंधित मामले की जांच का निर्देश दिया था, जिसमें डेलीगेट के चुनाव में अनियमितता को सत्य पाया गया।
इस मामले का समाधान होने के बाद ही झारखंड पुलिस एसोसिएशन के सप्तम अधिवेशन सह केंद्रीय पदाधिकारियों के चुनाव के संबंध में कार्यवाही की जाए। रांची विश्वविद्यालय में छज्जा गिरने से रामगढ़ की छात्र की मौत। झारखंड की राजधानी रांची स्थित रांची विश्वविद्यालय परिसर में एक हादसे में छात्र की मौत हो गई है। रांची विश्वविद्यालय स्थित सेंट्रल लाइब्रेरी में पढ़ने के लिए आया छात्र अपनी साइकिल खड़ी कर रहा था, इसी दौरान बिल्डिंग के छज्जे का एक हिस्सा उसके ऊपर गिर गया। घटनास्थल पर ही छात्र की मौत हो गई। बताया गया है कि रामगढ़ जिले के भुरगुंडा का रहने वाला मंतोष बेंदिया हर दिन लाइब्रेरी में पढ़ने आता था। हर दिन की तरह आज भी वह साइकिल से सेंट्रल लाइब्रेरी पहुंचा था। मंतोष बेंदिया की मौत के बाद छात्रों का आक्रोश फूट पड़ा है। उन्होंने सड़क जाम कर दी, धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया है। इसी दौरान रजिस्ट्रार को भी अपने साथ धरने पर बैठने के लिए मजबूर कर दिया है। झारखंड में 18 जून तक हीट वेव का अलर्ट जारी। मौसम केंद्र रांची ने एक बार फिर से राज्य में हीट वेव का अलर्ट जारी किया है। विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक 14 जून को राज्य के दक्षिणी, उत्तर पूर्वी और उत्तर पश्चिमी भागों में कहीं कहीं हीट वेव की स्थिति देखी जा सकती है। वहीं 15 से 17 जून तक राज्य के दक्षिणी और उत्तर पश्चिमी भागों में कहीं कहीं लू चलेगी, जबकि 18 जून को राज्य के दक्षिणी भागों में उष्ण लहर का कहर देखा जा सकता है। इस कारण लोगों को गर्मी से असहजता महसूस हो रही है, खासकर बच्चे और बुजुर्ग के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है। ऐसे में मौसम केंद्र रांची ने कुछ खास बातों का ध्यान रखने की सलाह दी है, जो कि दोपहर 11 से 3 के बीच बाहर नहीं निकलने को कहा है। खूंटी पुलिस ने ठगी के आरोपी को किया गिरफ्तार। झारखंड और बिहार के विभिन्न जिलों में ठगी करने के एक आरोपी गोड्डा जिला के ढोंढरी गांव निवासी अटल बिहारी उर्फ बिहारी मंडल उर्फ दीपक कुमार को खूंटी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। अटल बिहारी ने अलग अलग जगहों से पिछले 10 महीने में 15 से 20 लोगों के साथ 25 लाख रुपये से अधिक की ठगी की है। इसके झांसे में अधिकारी, ठेकेदार, बैंक कर्मी और जनप्रतिनिधि भी आ चुके हैं। इस बात की जानकारी एसपी अमन कुमार ने बुधवार को पत्रकारों को दी। एसपी ने बताया है कि गत 3 जून को खुद को पीएचडी विभाग का जेई दीपक कुमार बताकर सायको थाना क्षेत्र के दसाय मुंडा को उपायुक्त के आवासीय कार्यालय बुलाया, जहां उसने केसिंग पाइप दिलाने के नाम पर 1,32,000 रुपये ठग लिया। धन्यवाद।